हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा यानी लहरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये नगमा जो हमारा है ये ताल रूपक में है। अभी जो हमने आपको बजाकर दिखाया है वो हमारी रूपक ताल में सरगम बजी हुई है। रूपक ताल हमारी सात मात्रा की ताल होती है, ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है, ये हमारी रूपक ताल है, ती ती ना धी ना धी ना, सात मात्रा की। और ये नगमा जो हमारा है ये राग पीलू में है। राग पीलू बहुत ही खूबसूरत सा राग है जिसका मैं अभी आरोह और आपको बताऊंगा, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि उसके सरगम उसमें किस प्रकार लगती है और कितना मधुर राग है वो। उसमें बहुत सारे गाने बने हुए हैं। राग पीलू जो है उसके आरोह में रे और धा ये दो स्वर वर्जित हैं, और राग पीलू जो है थोड़ा टफ राग है। इसके इसमें जो है दोनों गंधार, दोनों निषाद और दोनों धैवत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसका आरोह अवरोह होगा और उसके बाद नगमा की सरगम। आरोह अवरोह मैं इसलिए बताता हूँ कि आरोह अवरोह का आप प्रैक्टिस जरूर करें, राग के बारे में समझें जरूर। जब आप राग को अच्छे से तरीके से समझ जाते हैं तो उसमें कोई भी गीत, कोई भी नगमा, कोई भी बंदिश को आप बहुत आसानी से बजा लेंगे। ये हमारा राग पीलू का आरोह है, और अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। आरोह किया तो रे को हमने छोड़ दिया, सा ग म प नी सा, आरोह में शुद्ध नी, अवरोह सा नी ध प म ग रे सा, अवरोह में कोमल गा, आरोह में शुद्ध गा, आरोह में शुद्ध नी, अवरोह में कोमल नी, ठीक है। और इसमें जो हमारा राग पीलू है उसमें जो निषाद है कोमल निषाद के साथ शुद्ध धैवत का प्रयोग होगा, और शुद्ध निषाद के साथ कोमल धैवत का प्रयोग होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे सा नी ध प नी ध प म प म ग रे ग रे सा। इस प्रकार हमें धैवत को और गंधार को प्रयोग करना है, और जब हम कोमल धैवत को प्रयोग करेंगे तो सा नी ध प इस प्रकार हम शुद्ध निषाद के साथ कोमल धैवत का प्रयोग करेंगे। सा नी ध प नी सा नी ध प नी ध प म प म ग म प म ग रे ग रे सा। ये हमारा इसका आरोह अवरोह है, थोड़ा टफ है लेकिन आप ध्यान देंगे तो उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बजा लेंगे। अब आइए देखते हैं नगमा की सरगम हमारी क्या होगी। ग ग म प ग ग रे नी सा, ग ग शुद्ध गा, ग ग म प एक साथ ग ग रे नी सा, ग ग म प ग ग रे नी सा। आपको ध्यान रखना है ग ग ये हमारे सिंपल सिंपल नोट्स हैं, और उसके बाद म प एक मात्रा में, और ग ग रे एक ग सिंगल मात्रा में है, दूसरा ग रे एक साथ नी सा। अब इसको हम काउंट करते हैं गिनती के साथ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन
चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ग ग म प ग ग र नी सा, ग ग म प ग ग र नी सा। इस प्रकार आपको इसको प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे खूब स्पीड बढ़ानी है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें आपको 90-95 राग के नगमा मिलेंगे। अगर आप सोचिए उन सबको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कितने नगमा आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कितने रागों की कितने तालों की आपको नॉलेज हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें नगमा लहरा करके आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें बहुत सारे नगमा मैंने डाल रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नगमा हर ताल में। तो आप उन सबका प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें ताकि आप अच्छा कर सकें, अच्छे कलाकार बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।